22 साल की लड़की जेल में 23 दिन, बेनी रेपिस्टों के साथ रखा गया। मुझे लखनऊ मिस यूपी रह चुकी 22 साल की अपूर्वा वर्मा 23 दिन बाद 1 जुलाई को जेल से बाहर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने को लेकर इन्हें 7 जून 2017 को जेल भेजा गया था। नेक्स्ट न्यूज 9 से बातचीत में अपूर्वा ने बताया कि जेल में कैसे उन्होंने 23 दिन गुजारे। जेल में रेपिस्टों गुंडों के साथ रखा गया 23 दिन। अपूर्वा ने बताया, जिस दिन मैं और मेरे साथी जेल गए उस दिन से हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे हम कोई आतंकवादी हों। हमारे खाने पीने पर प्रतिबंध लग गया। पैसा देने के बाद भी हमें कैंटीन का खाना नहीं दिया जाता था। घर वालों से मिलने पर पाबंदी थी। सबसे गलत बात ये थी कि हम दोनों लड़कियों को ऐसे बैरक में रखा गया जिसमें रेपिस्ट, चोर और गुंडे भी थे। हम खुद को असहज महसूस कर रहे थे। महिला वार्डन से जब कोई शिकायत करते तो वो कहती थी कि आप लोगों ने इतना गलत काम किया है कि फांसी भी हो सकती है। रात में डर लगता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसलिए हम सोते नहीं थे। लिखित में जेल को शिकायत दी तो उनका जवाब था, आप लोगों ने क्राइम किया है, ज्यादा परेशान करेंगे तो तिन्हाए आतंकवादियों की जेल में डाल देंगे, जहां रोशनी के लिए तरस जाओगी। वो काल कोठरी होती है जहां खाने पीने को भी नहीं दिया जाता। हमने अपने घर वालों को चिट्ठी भी लिखी लेकिन वो उन तक नहीं पहुँची। मुलायम सिंह यादव मिलने गए थे जेल। उसने बताया, एक दिन जेल में नेताजी हमसे मिलने आए थे लेकिन थोड़ी देर के लिए मुलाकात कराई गई। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी आए थे। वो हमारे लिए बेडशीट, कपड़ा वगैरह लाए थे लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचाया गया। न्यूज पेपर की डिमांड की तो हमसे कहा गया कि आप लोगों ने आतंकवादियों जैसा अपराध किया है, आपको ऐसी कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी जिससे बाहर की कोई जानकारी मिलती हो। अच्छे खाने को लेकर भूख हड़ताल की तो धमकी मिली कि हम लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और हमारी बेल नहीं होगी। 19 जून को खाने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे साथियों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात कही तो जेलर ने कहा, जिसको जैसे मरना है मर जाए लेकिन हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा। 2016 में अपूर्वा को मिला था मिस यूपी का खिताब। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं किया। साल 1995 में लखनऊ में जन्मी अपूर्वा की शुरुआती पढ़ाई भारत देवरस अलीगंज से हुई। केंद्रीय विद्यालय से इंटर करने के बाद उसने आईटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वर्तमान में वह लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही है। बचपन से ही अपूर्वा को मॉडलिंग का शौक था। गरीब असहायों को लेकर वो हमेशा भावुक हो जाती थी। इस दौरान अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट ने उसे बहुत इंस्पायर किया और समाज की कुरीतियों के खिलाफ उसने आवाज उठानी शुरू कर दी। वह अखिलेश की फैन है। उसने सपा पार्टी ज्वाइन कर ली। कॉलेज के टाइम से फैशन शो में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। 2016 में उसने मिस यूपी का खिताब जीता। मिस यूपी रह चुकी अपूर्वा वर्मा की 23 दिन जेल में रहने के बाद जमानत हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।